होल्डर्स यूज़ कर रही है एंटी डैंड्रफ शैम्पू, एंड ऑब्वियसली जिस प्रोडक्ट से मेरा नाम जुड़ा है तो डेफिनेटली लोगों को असर तो पड़ता है, जैसे आपने कहा, एंड दे अंडरस्टैंड दैट देयर इज़ अ रीज़न बिकॉज दिस इज़ द मोस्ट ट्रस्टेड शैम्पू. वेल आई थिंक दो हफ्ते में 2-3 बार हम हेड एंड शोल्डर्स एंटी हेयर फॉल शैम्पू यूज़ करते हैं. बालों में आमंड ऑयल के इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हम लोग धूप में बहुत ज़्यादा रहते हैं तो स्कैल्प बहुत ड्राई हो जाता है और स्कैल्प को हाइड्रेट करना बहुत ज़रूरी है. वेल आई थिंक दैट एक पॉजिटिव वाइब तो डेफिनेटली है, बट पहले तो मैं ये प्रोडक्ट पिछले 8 सालों से इंडोर्स कर रही हूँ. सैफ 2 साल पहले आए हमारे साथ ज्वाइन करने, एंड द फैक्ट इज दैट आई थिंक दैट ही हैज़ वेरी गुड हेयर इज़ वॉट द ब्रांड के खुद के बाल जो है इतने खूबसूरत है दैट ही एंडोर्सेज द मेल शैम्पू, और अभी इस बार मेल शैम्पू भी लॉन्च किया है. उस फिल्म के बारे में बात करना बहुत जल्दी है, हम लोग अगले महीने शूट करने जा रहे हैं. पहली बार आई थिंक कबीर खान के साथ हम काम कर रहे हैं, तो हमेशा पिछले हमारे डायरेक्टर्स जो है हम लोग चाहे वो रोहित हो या करण हो, हम लोग 3-4 फिल्म साथ में कर चुके हैं, बट इस बार पहली बार किसी नए डायरेक्टर के साथ काम कर रहे हैं तो उससे लेकर बहुत ही एक्साइटेड हूँ. नहीं आई थिंक दैट ही इज़ अ नहीं आई थिंक ही इज़ अ फाइटर एंड ही विल बी यू नो कम आउट ऑफ इट, बट आई थिंक ऑफकोर्स ही इज़ अ लिविंग लेजेंड. उन्होंने एक ऐसे एक्टर है जिन्होंने थिएटर और फिल्म दोनों का साथ दिया है, दोनों को बहुत रिस्पेक्ट दी है, एंड आई थिंक दैट इज़ अ ग्रेटेस्ट थिंग.